सो हे गाइस, कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें मैंने Realme फोन्स पर जिस पर Realme UI 2.0 और साथ ही साथ उसमें Android 11 का अपडेट आया था उसमें आप लोगों को बताया था आप लोगों को आइकन पैक यूज करके बाय डिफॉल्ट आइकन पैक यूज करके डाल के उसमें बताया था पूरा डिटेल के साथ आप लोगों को बताया था आप लोग कैसे यूज कर सकते हो, कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हो इन Realme स्मार्टफोन। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को कल के वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग दूसरे फोन जैसे कि Redmi हो गया, इधर Samsung हो गया, इन फोन्स पर आप लोग कैसे ये लॉन्चर अप्लाई कर सकते हो या एप्स आइकन को अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज, आज मैं आप लोग बताऊंगा अपने Redmi के Note 6 Pro मोबाइल पर। सो बता दूं, आज मैं आप लोगों को इस फोन में आप लोगों को करके बताऊंगा जिसमें आप लोगों को ना ही कोई ये इसमें आप लोगों को ना ही कुछ आइकन पैक यूज करने वाला सिस्टम है। सो उसके लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा या उसको आप लोग प्ले स्टोर पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नेम है पोको लॉन्चर। सो आप लोगों को बता दूं, यहां पर मैं इसको ओपन करके तो आप लोगों को बता दूं, यहां पर आप लोगों को सिंपली अपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। जैसे आप लोग प्ले स्टोर पर जाओगे, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप लोगों को सिंपली प्ले स्टोर पर चले जाना है। तो ये हमारा प्ले स्टोर पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर आप लोग सिंपली एक आइकन सर्च करना है, जैसे कि आप लोग अगर पोको लॉन्चर इंस्टॉल है तो आप लोग पोको लॉन्चर बाद में पहले आप लोग आइकन पैक डाउनलोड कर लेना और उसके बाद आप लोग पोको लॉन्चर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करना पोको लॉन्चर बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पोको लॉन्चर से ही आप लोगों का ये लॉन्चर अप्लाई होगा आपके फ़ोन पर। तो आप लोग बता दूँ, यहाँ पर मैं अपना पोको लॉन्चर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने लॉन्चर में पोको लॉन्चर ऑलरेडी अप्लाई कर रख चुका हूँ। यहाँ पर मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा अपने मोबाइल स्क्रीन पर जैसे कि आप लोगों को मैंने कल बताया था। तो वैसे ही मैंने जैसे लॉन्ग प्रेस किया, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ट्रांसमिशन इफेक्ट बहुत चीज मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोग सिंपली मोर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग बता दूं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पोको सेटिंग्स लिखा है। पोको सेटिंग्स के बाद आप लोग सिंपली बैकग्राउंड दिख जाएगा, बैकग्राउंड सिस्टम है और आइकन पैक दिख जाएगा। आप लोग सिंपली इस पर आइकन पैक पर क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग अगर कोई भी बाय डिफॉल्ट या थर्ड पार्टी आइकन पैक यूज करना चाहोगे तो यहाँ पर आप लोगों को सिस्टम और एड मोर का ऑप्शन दिखाता है। यहाँ पर आप लोग बता दूं, मैं आप लोगों को बता दूं, वन यूआई का मैंने आइकन पैक डाउनलोड करके यहाँ पर डाल दिया हूँ और आप लोग देख सकते हो पूरा सैमसंग स्मार्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसको अप्लाई करता हूँ, मैंने सिंपली यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया तो आप लोग देख सकते हो पूरा सैमसंग हो गया है मेरा फोन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा सैमसंग स्मार्टफोन जैसे यहाँ पर फीचर्स आ गए हैं, आइकन आ गया है। तो आप लोगों को भी सिंपली ऐसे ही काम करना है और अपने फोन्स को जैसा मन चाहे वैसा यूज कर सकते हो, जैसा मन चाहे वैसा बनाकर यूज कर सकते हो। सो ये हमारा इन्फॉर्मेशन और ये हमारा ट्रिक और ये हमारा एकदम शानदार वाला अच्छा वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हम अपना वीडियो का क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव करते जा रहे हैं जो आप लोगों को कुछ अच्छा बेटर लगे। सो ये हमारा वीडियो का क्वालिटी कैसा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन घंटे को दबा ही देना। यहाँ पर मैं बहुत सारे आप लोगों को फीचर्स बता दिए यहाँ पर और कल मैंने रियलमी फोन्स पर भी बताया था। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर चेकआउट भी कर सकते हो, वहाँ पर आप लोगों को वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सो वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हो जो रियलमी फोन्स वाले हैं जो कि लेटेस्ट अभी रियलमी का 2.0 एंड्रॉयड 11 के साथ आया है वो चला रहे हैं तो उनके लिए फायदेमंद है। चाहो तो वहाँ पर आप लोग जाकर विजिट करके देख सकते हो। सो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन घंटे को दबाई देना। सो गाइस, मिलते किसी और एक यूनिक ऐसे ही फाड़ू और जोड़ू वीडियो में। सो लेट्स टाटा बाय बाय।